देहरादून में मंदिरों में भड़काऊ पोस्टर को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में यहां पर दर्ज कराया है केस। गौरतलब है कि दो दिनों में देहरादून के मंदिरों में चस्पा पोस्टर लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है, जिसमें भड़काऊ बातें लिखी हुई हैं। लोगों ने कहा है कि किसी धार्मिक स्थल में इस तरह के पोस्टर का लगना हिंसा फैलाने के बराबर है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिरों के आसपास इस तरह की हरकतें करता हुआ देखा गया तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। लेकिन पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई करने में जुट गई है। तो मंदिरों के बाहर भड़काऊ पोस्टर लगाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाज बुलंद की है। पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए गए मुकदमे को लेकर कार्रवाई में जुट गई है और ये भी कहा गया है यदि कोई भी मंदिरों के आसपास ऐसे भड़काऊ पोस्टर लगाता है तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और अभी फिलहाल लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरीके के पोस्टर हिंसा को भड़काने वाला पोस्टर है। चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिरों के आसपास इस तरह की हरकतें करता हुआ देखा गया तो उसे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए मुकदमे को दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। इस तरीके की कोई हरकत ना करे इसके लिए पुलिस भी सतर्क हो गई है। पोस्टर को हटा दिया गया है। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की किसी ने पोस्टर लगा के कोशिश की थी। फिलहाल आम लोगों ने चिंता जताई, आक्रोश जताया, जिसके बाद इस पोस्टर को हटा दिया गया। इस पोस्टर में साफ दिखाई दे रहा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। मंदिरों में या फिर धार्मिक स्थल पर हर किसी का आने जाने की स्वतंत्रता है। इस तरह के पोस्टर कहीं ना कहीं भाईचारे को बिगाड़ता है और यही वजह है कि आम लोगों ने चिंता जताई और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। लोगों ने इसका विरोध किया, पुलिस प्रशासन के पास जाकर मुकदमा भी दर्ज करवाया अज्ञात के खिलाफ। आखिर किसने इस तरीके के पोस्टर लगाए फिलहाल इसका पता नहीं है, लेकिन आगे इस तरीके के पोस्टर ना लगे इसको लेकर चेतावनी भी दे दी गई है। तो मंदिरों के सामने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई पोस्टर लगा के, लेकिन इस पोस्टर को फिलहाल आम लोगों ने आक्रोश अपना रोष दिखाते हुए पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी। पोस्टर को पुलिस प्रशासन ने हटा दिया। सागर का रुख कर लेते हैं, संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सागर, पोस्टर में क्या कुछ लिखा हुआ था? जी बिल्कुल, दो दिनों से ये जो पोस्टर था वो खासा चर्चाओं में था, जिसमें लिखा हुआ था कि युवा वाहिनियों द्वारा ये पोस्टर जो थे वो लगाए गए थे, जिसमें मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित है लिखा हुआ था। और इसमें ये भी लिखा हुआ था कि धर्म की रक्षा करने की बात कहकर ये तमाम जो चीजें हैं वो हिंदू वाहिनी वालों ने लिखी थी, जिस पर अब जो है वो पुलिस द्वारा सख्त एक्शन इख्तियार किया गया है और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। आईजी लॉ नीलेश भरने का साफ कहना है कि इस तरीके का कोई भी जो भी तमाम पोस्टर्स हैं उनको हटाया गया है और जिस तरीके से शांति देहरादून की हवा फिजाओं में रहे इसको देखते हुए जो है वो तमाम निर्देश भी दिए गए हैं और इन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, क्या पता लग पाया है कि किसने लगाया था, कौन है वो व्यक्ति? बिल्कुल, काफी अहमियत सवाल है क्योंकि कल से ये पोस्टर जो था वो काफी चर्चाओं में था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और जिस व्यक्तियों द्वारा ये लगाए गए थे, क्योंकि हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया था, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं में नामजद मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है जिस व्यक्ति द्वारा लगाया गया था, तो तमाम जो पुलिस द्वारा स्ट्रिक एक्शन इस पे लिया गया है। हालांकि कल तक जो पुलिस थी वो इस मामले पर कोई भी बयान देने से बचती बचाती हुई दिख रही थी, लेकिन आज जो है वो तमाम जो पोस्टर्स हैं
उनको हटा दिया गया है और इस पे मुकदमा दर्ज किया गया है। और देखिए जिस तरीके से ये जो पूरा वाक्या हुआ है, ऐसे में कहीं ना कहीं शांति भंग करने के आसार भी जो है वो बने हुए थे, और जिसको देखते हुए पुलिस द्वारा सख्त एक्शन इम्प्लीमेंट किया गया है। जी क्या कुछ आगे की कार्रवाई होने वाली है, क्या देख पा रहे हैं आगे कोई ऐसी हरकत ना करे उसके लिए क्या खास कदम उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि नामजद इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और आगे आगामी जो मुकदमे में जो जांच की जा रही है और उसमें जिस जिस व्यक्तियों द्वारा जो इस ये वाले पोस्टर लगाए हुए थे उन व्यक्तियों को जो है वो इसमें शामिल किया जाएगा, उन व्यक्तियों के को भी जो है वो जांच के दायरे में रखा जाएगा, उनके खिलाफ भी जो है वो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। तो जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, निसंदेह जैसे मैंने बताया कि कल तक पुलिस जो थी वो तमाम चीजों से बचाती हुई नजर आ रही थी और अब जो है वो पुलिस द्वारा सख्त एक्शन इम्प्लीमेंट किया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है साफ तौर पर। ऐसे में वहां पर पंडितों का क्या कुछ कहना है, आम लोगों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से केवल यही लिखा हुआ था इसमें कि हिंदू धर्म के लोग ही जो है वो प्रवेश कर सकते हैं मंदिरों में, निश्चित ही सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की ये जो कोशिश थी ये की हुई थी, जिस पर जैसे मैंने बताया कि सख्त एक्शन पुलिस द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी बात सागर ये देखी गई कि आम लोगों ने खुद इसका विरोध किया, किसी ने इस पोस्टर में लिखे हुए लेख को एक्सेप्ट भी नहीं किया। जी बिल्कुल, आम लोगों ने खुद इसका विरोध किया क्योंकि जैसा कि हिंदू वाहिनी वाला द्वारा हालांकि पोस्टर्स में लिखा हुआ था कि हिंदू लोग ही जो है वो मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों ने इसका विरोध दर्ज किया और तमाम जो लोग थे वो इसके बावजूद भी जो थे वो मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। और जैसा कि मैंने बताया कि कल तक पुलिस जो थी वो फातिमा, अहम सवाल है कि कल तक पुलिस जो थी वो कोई भी बयान जारी करने से बच रही थी इस मामले पे। आज जो है वो आईजी नीलेश भरने का बयान आया है कि मामले पर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ऐसा पुलिस का रवैया बीते रोज क्यों था? जी बिल्कुल, क्योंकि फातिमा सांप्रदायिक मामला ये हो सकता था, हिंदू वाहिनी से जुड़ा ये मामला था और ऐसे में कई ऐसे सवाल थे जो सामने आ सकते थे जिससे पुलिस जो थी वो बच रही थी, तमाम चीजों से पुलिस बच रही थी। और आज जो है वो मुकदमा दर्ज इसमें किया गया है, आगे की जांच जारी है। जैसे मैंने बताया कि जिस व्यक्तियों द्वारा ये पोस्टर्स लगाए गए हैं उन व्यक्तियों को जो है वो जांच में शामिल किया जाएगा। जी शुक्रिया सागर तमाम जानकारी के लिए। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई लेकिन आम लोगों ने कदम उठाया और पुलिस प्रशासन को इसकी शिकायत दी गई, हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। मंदिर है जो मुख्य मंदिर है और कुछ अन्य मंदिर पे इस तरह का कुछ बैनर पोस्टर लगा था जिसमें जो है कुछ गैर हिंदू नागरिकों को जो है प्रवेश वर्जित इस तरह से कुछ था, तो पुलिस ने तत्काल जो है मौके पर पहुंचकर जो है वो बैनर कब्जे में लिया और उसमें FIR दर्ज कराएगी 153C में, और जिसमें जो बाय नेम्ड FIR हुई जीतू रंधावा जो है हिंदू युवा वाहिनी से, तो उसमें जो है तत्काल पुलिस उस पर कार्रवाई करी है।